लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वन इज टेट्रावेलेंसी एंड द सेकेंड इज ट्रेमेक्स का अतुल के पाउच में एंड सेकेंड इज कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन तो आप लोगों को बता ही दिया था, एबिलिटी टू फॉर्म, बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स। एंड मैंने आपको बोला था टेट्रावेलेंसी में आपको बताऊंगी दैट वैलेंसी ऑफ फोर। तो बेटा टेट्रावेल, ड्यू टू टेट्रावेलेंसी, ड्यू टू वैलेंसी ऑफ फोर, कार्बन कैन मेक, जो कार्बन है कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और अदर मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम्स का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी वन होती है, लाइक मोनोवेलेंट मतलब वैलेंसी वन, मीन्स कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड लाइक दिस, सपोज मोनोवेलेंट एटम इज H, ठीक है। तो ये ऐसे बना लेगा H, 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 तो H इज मोनोवेलेंट एटम, तो आपके पास कौन सा कंपाउंड आ गया, CH4, जिसका नाम है मीथेन। और मोनोवेलेंट एटम हमारे पास हैं कार्बन H, 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 Cl, ठीक है। तो इट कैन फॉर्म CH3Cl, इट इज क्लोरोमीथेन, ठीक है। हाँ क्लोरोफॉर्म भी जाते ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट ये तीन सी एल एक एच, ठीक है, ये भी बना सकता है, ये कार्बन टेट्रा। अरे हूज माइक इज ऑन बच्चे, नमित नमित माइक ऑफ कर, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब फोर। ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि कार्बन, अब कार्बन के जैसे चार वैलेंसी है, दो इलेक्ट्रॉन इधर रखे, दो इलेक्ट्रॉन इधर रखे, ठीक है। ऑक्सीजन के अपने छः होते हैं, समझ रहे हो, छः ऑक्सीजन के अपने हो गए, बात को समझना, नहीं आया दोबारा पूछना। अगर ये दो ऑक्सीजन के आ जाते हैं, अपने ऑक्सीजन के छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, दो और छः, तो ऑक्सीजन को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कितना चाहिए, दो चाहिए, वो दो इधर से, कार्बन ने अपने चार इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लिया, दो एक तरफ दो एक तरफ, और ये कार्बन के ये आठ, क्लियर। देखो बेटा, मीन्स कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी तरीके से, देखो यहाँ पर तो कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन को सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में यूज़ किया, क्योंकि क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना था। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, चार, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, सिक्स। तो कार्बन
इसके साथ भी अपनी बॉन्डिंग किस तरह से करेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि कार्बन सिर्फ सिंगल एलिमेंट वालों के साथ, इस जिनके सिंगल वैलेंसी होती है। देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है बच्चों, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्या वैलेंसी ऑक्सीजन की, सिक्स टू, हाँ टू, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, सिक्स ना, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन को दो और चाहिए। कार्बन के टोटल फोर होते हैं, अपने कार्बन ने फोर इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज कर लिए, अब ऑक्सीजन अपने दो शेयर करके यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा, और CO2 फॉर्मेशन में दो ऑटम है ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर भी शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, और कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेगा, तो ये बन गए बॉन्ड इस तरीके से, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और कार्बन ने अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब कार्बन तो मतलब आप कह नहीं सकते हो कि कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स की तरह अपने क्या कर सकता है, वैलेंसी शो कर सकता है। कार्बन डाइसल्फाइड ये भी आप बना सकते हो इजीली, कैसे बनाओगे, सल्फर के कितने एटम, दो, ठीक है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, क्या एटॉमिक नंबर है सल्फर, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, बताओ जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर के दोनों तरफ बना दो 6, दोनों तरफ बना दो। अब कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन मैं कैसे अरेंज करूंगी, बता सकते हो कोई, कैसे अरेंज करूं, डन, क्लियर एवरीवन? अब सल्फर ने अपने भी कंप्लीट कर लिए, बिल्कुल जैसे CO2 का स्ट्रक्चर था, ये क्या बन गया CS2, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। क्लियर, एनी डाउट हेयर? ठीक है, तो टेट्रा वैलेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है। सो कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी सपोर्ट्स कार्बन एटम टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। और थर्ड जो इसका है, जो कि आप मेंशन कर सकते हो, वैसे तो दो ही प्रॉपर्टी कार्बन की पूछते हैं, थर्ड अलग से NCERT में मेंशन नहीं है, बट कई आपको रिफ्रेशर्स वगैरह में मिल जाएगा, NCERT में आपको अलग से नहीं दे रखा, टेट्रावेलेंसी में ही एडेड है स्मॉल साइज। Due to small size of carbon atom, thus there is formation of bonds. Strong bonds between carbon-carbon atom. ठीक है, as its small size enables the nucleus to hold the shared pair, ठीक है, with strong force of अट्रैक्शन, ठीक है, ओके। सो स्मॉल साइज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट द कार्बन एटम्स आर, तो कई बार ये इस तरह से भी आता है, सो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर स्टेबल, स्टेबल होते जल्दी से जो होता है, डिसइंटीग्रेट नहीं होते और अच्छे खासे लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म में आपको अपने आसपास दिखते हैं।
क्लियर एवरी वन? एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चे? मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हम टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड, इफ एनी कंपाउंड इज हैविंग एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. If n is 1, अगर number of carbon atom is 1, then the compound name should start with meth. If n is 2, then the compound name starts with eth. If n is 3, total में देखना आपको, total आपको carbon atom, ऐसा नहीं कि मैडम ये तो उसमें था ये तो उसमें था, आप total गिनो. अगर तीन carbon atom है compound में total, तो उसका नाम 4 होगा, सॉरी प्रॉप होगा. अगर चार है तो ब्यूट होगा, पांच है तो पेंट, बाकी की सीरीज हम फंक्शनल ग्रुप जब बताएंगे तब बताएंगे. ये सिर्फ नेमिंग बता रही हूँ, स्टार्टिंग हेक्स से स्टार्ट होगा. ठीक है, क्लियर एवरीवन? एक बार दोबारा बताना. अगर आपका मान लो बेटा, मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ, CH4, तो कितने कार्बन एटम है इसमें, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? वन ना. और आप इसको क्या बोलते हो? क्या? मीथेन. तो इसका मतलब कार्बन एटम वन है, तो इसका जो नाम है वो मेथ से स्टार्ट होगा. ओके, कार्बन एटम टोटल में कितने? वन. तो किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन एटम एक हो तो उसका स्टार्टिंग नेम जो है वो मेथ से होगा. जैसे कि अभी मैंने एक जगह लिखा था क्लोरोमेथेन, लिखा था ना कहीं मैंने क्लोरोमेथेन ऊपर कहीं, ये देखो कितने कार्बन एटम है, जरा काउंट करना, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? कोई दो तो नहीं बोल रहा, कोई दो बोलना तो नहीं चाह रहा है, कोई दो बोलना चाह रहा है तो बता दो मुझे. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड फॉर, याद रखना, फॉर ब्रांच, नोट डाल देती हूँ, फॉर ब्रांच स्ट्रक्चर एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी एटलीस्ट, कितना होना चाहिए? 4. क्लियर? मिनिमम क्यों, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले 4 का हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं. बट ध्यान से देखना, सपोज 4 कार्बन एटम होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, दिस कैन बी लाइक दिस. And this is first structure. And the second structure can be like this. Yes or no? और आप इसको अगर थोड़ा सा और सिंपल बनाना चाहते हैं तो ये 3 एक स्ट्रेट चेन में और एक को मैंने ब्रांच बना दिया, चाहे कार्बन एटम ऊपर रख दो चाहे नीचे रख दो. ठीक है, ये नहीं ऊपर ही हो, द थिंग इज सेम. ओके, द थिंग, ये दोनों है तो सेम ही. ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? व्हेन सम कंपाउंड्स हैव, कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग और क्लोज्ड स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड, देन दे आर कॉल्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. एंड
आप मैथ्स में पढ़ते हो, मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए एक रिंग स्ट्रक्चर के लिए? हाउ मेनी साइड्स आर रिक्वायर्ड? थ्री, ये हो सकता है। ओके, क्लियर? मिनिमम तो हम सिक्स ही लेकर चलते हैं, मैक्सिमम, सॉरी, ये पेन। सो दीज आर क्लोज स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन? इसमें कोई दिक्कत? नाउ अब मैं, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनवाना चाहूँ, ध्यान से देखिएगा। सपोज नेमिंग्स तो आपको मैं बाद में ही सिखाऊंगी। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक साथ ही सारा समझा देती हूँ, फिर लिखते रहना क्योंकि एक साथ ही टॉपिक समझने वाले हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको बताया था कि टोटल वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, कितने होते हैं टोटल? चार होने चाहिए। चलो मैं इसको उठाती हूँ, सेंटर वाले को उठाती हूँ। कितने कार्बन एटम्स हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर? कितने हैं बच्चे, काउंट करके बताओ जल्दी। जतिन काउंट नहीं कर सकता अच्छी तरह से है बेटा? कितने स्ट्रक्चर बच्चे, कितने कार्बन एटम हैं? सिक्स। जतिन, अच्छा छः बोल रहा है, मुझे एट सुनाई दे रहा है। सिक्स, तो अब सिक्स में है। तो देखो बेटा, मैंने वन टू थ्री फोर, मैंने इसका फॉर्मूला आप लोगों से कैलकुलेट करवाना चाह रही हूँ। अब मैंने कहा हाइड्रोजन एटम, देखो बेटा फर्स्ट मैं अंदर कर रही हूँ इसके नंबरिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब फर्स्ट वाले कार्बन एटम पर देखो कितने वैलेंसी ऑलरेडी कार्बन की है, कितने बॉन्ड्स कार्बन के दोनों तरफ हैं, एक एक है, इसका मतलब दो वैलेंसी पूरी है, इसका मतलब दो और चाहिए। ऐसे इस पर भी दो चाहिए, तभी तो चार हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर। अब मैंने हर कार्बन एटम की टोटल वैलेंसी चार कर दी, कर दी कि नहीं कर दी? यस और नो, है ना? अब मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी कार्बन एटम्स में आपके पास एक है तो मेथ, दो है तो एथ बोला था, तीन है तो प्रॉप बोला था, चार चार बोला तो ब्यूट, पांच बोला तो पेंट, और छः बोला तो हेक्स। इसका मतलब इसका नाम भी किससे होना चाहिए, हेक्स से होना चाहिए, है ना? ओके, हेक्सागन है वैसे भी, है ना? और बेटा क्लोज स्ट्रक्चर्स का जब भी आपसे नोमेनक्लेचर आएगा तो क्लोज स्ट्रक्चर्स के लिए आप हमेशा एक वर्ड यूज़ करेंगे जिनको हम बोलते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं? साइक्लो। मैं यहाँ पर भी हेडिंग में लिखती हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, साइक्लो। तो यू विल नेम इट एज साइक्लो, और मैंने क्या बताया था, सिक्स का मतलब हेक्स, तो साइक्लो हेक्सेन। अब ये एन क्यों आ रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे, वाई एन मैं अभी बता दूंगी आपको, लेकिन इतनी बात आपको समझ बता चुकी हूँ। व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड बेटा, है ना? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैन बी अनसैचुरेटेड, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड भी होते हैं। ऑफकोर्स दे कैन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो अब हम डबल बॉन्ड वाला, एक ही स्ट्रक्चर है क्लास टेंथ में, एंड दैट इज फॉर बेंजीन, द नेम इज बेंजीन, ठीक है? तो डबल बॉन्ड सीखेंगे हम। देखो बेटा, वन टू थ्री
फोर फाइव सिक्स, ये थोड़ा स्ट्रक दो पेज में डिवाइड हो गया, थोड़ा सा एक मिनट करते हैं, वन अब देखो बेटा मैंने डबल बॉन्ड लगाना जा रही हूँ, ठीक है आपके सामने आएगा आपको भी पता होना चाहिए, चलो मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, दो अब बॉन्डिंग, अब आप इस कंपाउंड की बॉन्डिंग पूरी करो, देखो बेटा ये वन ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स, जैसे आपसे बोलूँगी फर्स्ट कार्बन एटम के टोटल कितने बॉन्ड है आसपास ज़रा देखकर बताओ, तीन, एक एक तरफ और दो दूसरी तरफ दो, तो टोटल कितने हो गए तीन, कितने बॉन्ड की कमी है कंप्लीट करने एक, के एक one. तो मैंने यहाँ पर एक और उससे H कनेक्ट कर दिया, अब आ जाओ दूसरे कार्बन एटम पर, दूसरे कार्बन एटम के भी कितनी टोटल बॉन्ड्स हैं आसपास मिलाकर दोनों साइड देख तीन, फिर तीसरे पर आ जाओ फिर नेक्स्ट पर आ जाओ फिर नेक्स्ट पर आ जाओ फिर नेक्स्ट पर आ जाओ, सो अब मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूल, है ना C6H6, ओके दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द नोमेनक्लेचर इज साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड इज हेक्सेन, ठीक है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है और द कॉमन नेम इज बेंजीन, ओके और अगर आपके टीचर्स ने पढ़ा रखा हो, मैं पढ़ाना नहीं चाहूंगी क्योंकि नोमेनक्लेचर इस बार आना नहीं है, तब आपको इन बॉन्ड्स की पोजीशन बतानी पड़ती है कि डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पर है, ठीक है फर्स्ट पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, फिर थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, फिर फिफ्थ, ठीक है बट वो अब आपका आना नहीं है तो उसमें बताऊंगी नहीं मैं।